लोकसभा में कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र मामले पर यह स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और राज्यसभा में भी कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। तो लगातार आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है जो कि 13 दिसंबर तक चलेगा और इस बीच जब सत्र में कार्यवाही चल रही है तो महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा जिस तरह से फिलहाल छाया हुआ है, सियासी सरगर्मियां जिस तरह से फिलहाल बढ़ी हुई हैं, उस बीच फिलहाल कांग्रेस ने महाराष्ट्र मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। लोकसभा के साथ साथ ही राज्यसभा में भी ये स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया गया है।